अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है। तो आज हम बना रहे हैं मसालेदार भिंडी। मसालेदार भिंडी बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम भिंडी, दो टमाटर, इसका हम पेस्ट बना लेंगे, तीन प्याज, इसका हम पेस्ट बना लेंगे, एक छोटा चम्मच रेड चिली, एक छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, हरा धनिया, एक छोटा चम्मच हल्दी और एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो चलिए हम इसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं और इसको कट कर लेते हैं। जी तो ये देखिए, हमने भिंडी को इस तरह से कट कर लिया है, टोमेटो पेस्ट बना लिया है और प्याज का भी पेस्ट बना लिया है। इसके अंदर हमने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया। इसके अंदर हम भिंडी हल्का सा फ्राई करेंगे, थोड़ा सा साल्ट डाल, एक मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करना है भिंडी को। तो ये देखिए हमारे एक मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम निकाल लेंगे और इसके अंदर हम इसी ऑयल में हम जो प्याज का पेस्ट बनाया हुआ है वो ऐड कर लेंगे। तो हमने प्याज का पेस्ट ऐड कर लिया है, इसको हम अच्छे से भूनेंगे और इसको ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है, अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे। इसके अंदर हम जीरा पाउडर ऐड कर लेंगे। इसके अंदर हम हल्दी ऐड कर लेंगे, लाल मिर्च ऐड कर लेंगे, टमाटर का पेस्ट ऐड कर लेंगे। इसको 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये मसाले और जो टमाटर का पेस्ट ऐड किया हुआ है वो अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए हमारे 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसके अंदर हम एक छोटा चम्मच साल्ट ऐड कर लेंगे, नमक। इसके अंदर हम ये भिंडी ऐड कर लेंगे जो हमने फ्राई की थी। अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे ताकि जो हमारे मसाले और जो भिंडी है वो और अच्छे से पक जाए। ओ, हमने हरा धनिया तो डाला ही नहीं। इसको हम 5 मिनट के लिए ढकने के लिए ढककर रख देंगे। तो ये देखिए हमारे 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी भिंडी मसाला रेडी है। अगर आपको भिंडी मसाला रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलामु अलैकुम।